हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को घरेलू वैद्युतिकी उपकरण चैप्टर में रूम हीटर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले यानी प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को कन्वर्टर के बारे में बता चुके हैं। सर्वप्रथम ये हम लोग जान लें कि रूम हीटर क्या होता है। शीत ऋतु में या ठंडी के मौसम में रूम को गर्म करने के लिए जिस हीटर का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रूम हीटर। रूम हीटर दो प्रकार के होते हैं, एक रॉड टाइप हीटर और दूसरा वाउल टाइप ऑफ हीटर। तो आज जो हम लोग रूम हीटर की चर्चा करेंगे वो है रॉड टाइप। ये भी आज हम देखेंगे कि ये रॉड टाइप हीटर में कौन कौन मुख्य भाग होते हैं। चलिए हम इसको इसके क्रम से जाने कि इसके मुख्य पार्ट को। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर आपका रॉड टाइप हीटर है। ये फिगर जो आपके सामने में दिख रहा है ये रॉड टाइप का हीटर है। तो इसके मुख्य पार्ट को क्रम से देखना है। अब इसके कौन कौन मुख्य पार्ट होते हैं, तो पहला मुख्य पार्ट के अंतर्गत आता है ऊष्मक तंतु। ऊष्मक तंतु जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। अब देखिए ये आखिर ये हीटिंग एलिमेंट किसका बना रहता है। अगर हम हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट कहलाता है रॉड टाइप में। यानी हीटिंग एलिमेंट जो बना रहता है ये एक प्रकार का क्या होता है, चीनी मिट्टी का रॉड होता है। ये चीनी मिट्टी का रॉड है, ठीक है, ये चीनी मिट्टी का रॉड है और इसकी लंबाई जो हम लोग लेते हैं 30 सेंटीमीटर लेते हैं। चीनी मिट्टी का जो रॉड है और इसका व्यास जो लेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला चीनी मिट्टी का रॉड। ये रॉड जो होगा वो चीनी मिट्टी का बना होगा के ऊपर में। ये जो चीनी मिट्टी का रॉड है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला है। इसी के ऊपर में हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लपेट करके ऊष्मक तत्व बनाए। अगर कभी भी पूछे आपका आपको कि रॉड किसका लेते हैं, रॉड या किस चीज का बना होगा, आप बोलिएगा चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का रॉड हो गया ये रॉड, रॉड बना हो गया चीनी मिट्टी का। और जो ये ऊष्मक तंतु होगा, ये ऊष्मक तंतु जो बना होगा वो नाइक्रोम का होगा। नाइक्रोम तार का। अब रही बात इसको कितने वाटेज तक हम प्रयोग करते हैं, अगर वाटेज की बात की जाए तो 1000 वाटेज तक हम इसको प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉड है, ये रॉड किसका बना रहेगा, पहले आप जानिए रॉड जो है आपका चीनी मिट्टी का रॉड होगा। लंबाई कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर का लेना है, व्यास कितना लेता है 2 सेंटीमीटर। अब उस चीनी मिट्टी के रॉड के ऊपर में ही हम लोग नाइक्रोम तार को लपेट करके ऊष्मक तंतु बना देते हैं। जब ये ऊष्मक तंतु नाइक्रोम तार का बन गया, अब वो नाइक्रोम तार
कितना वाटेज तक हम प्रयोग करेंगे, तो 1000 वाटेज तक हम इस ऊष्मक तंतु का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए पहला मुख पाठ हो गया इसका क्लियर, अब दूसरे मुख पाठ की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे मुख पाठ को देखते हैं इसका क्या है, और आप लोग साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठें और उसको उतारते भी जाइए ताकि आपको समझ में भी आए। चलिए दूसरे मुख पाठ को देखते हैं। दूसरा मुख पाठ, इसका जो दूसरा मुख पाठ होता है वो होता है रिफ्लेक्टर। दूसरा मुख पाठ है इसका रिफ्लेक्टर। दूसरा जो मुख पाठ है वो है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का क्या काम है, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तक, यानी वो क्या करेगा, ऊष्मा को, ये हीटिंग एलिमेंट जो बनाए आप नाइक्रोम तार का, ये जो ऊष्मा छोड़ेगा, इस ऊष्मा को इसका काम है कि रिफ्लेक्ट कर देना, वो बाहर निकाल देना। ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर है, इसमें ये वाला थोड़ा सा ऐसे यू शेप में, आप देखिए यू शेप में जो देख रहे एकदम इस तरह, और इसी के बीच में क्या होगा, यहां पे या ऐसे रहेगा ये, इस तरह जो ऊष्मक तंतु है इस तरह यू शेप में, आप देखिए ये यू शेप में देख रहे हैं ना, ये यू शेप में, ये रिफ्लेक्टर का काम होगा। ये गड्ढा नुमा है जो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, क्लियर है, उस पोर्शन को वो क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्टर का काम है। रिफ्लेक्टर का देखिए दूसरा मुख जो पार्ट हो गया आपका रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर यानी जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तक, अब देखिए ये रिफ्लेक्टर काम क्या करता है, ये रिफ्लेक्टर बना किसका होता है, ये लोहे का सीट रहता है, और लोहे के सीट को हम क्या करते हैं, निकिल या क्रोमियम का लेप चढ़ा देते हैं, लोहे के सीट के ऊपर में निकिल या क्रोमियम का हम लेप चढ़ा के बनाते हैं। सीधी सी जानिए, लोहे का सीट है, ये लोहे का सीट है, लोहे का सीट, और इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, निकिल या क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, लेप चढ़ा के बना लिए, ये जो देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बना लिए। अब बनाने के बाद अब क्या करता है, इसका काम क्या है, ऊष्मा को बाहर निकालना, और इसी के ऊपर में रिफ्लेक्टर के ऊपर में ही हम ऊष्मक तंतु को सेट करते हैं। क्लियर, अब चलिए चलिए हम लोग ग्रिल को देखते हैं, आखिर ये ग्रिल क्या होता है, ये ग्रिल किस चीज का बना होता है, ये ग्रिल जो है लोहे का तार का बना होता है, ये जो देख रहे हैं ना ये छोटा छोटा पोर्शन, ये जो एक ग्रिल है ये लोहे का तार का बना होता है, ये लोहे का तार का बना होता है, और इसको क्या करते हैं ऊपर से निकिल या क्रोमियम का क्या कर देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, लेप, निकिल और क्रोमियम का हम क्या कर देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। अब ग्रिल का क्या काम है, देखिए ग्रिल है, ये ग्रिल का क्या काम है, घर में भी हम लोग ग्रिल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सुरक्षा के लिए, तो ये क्या करता है, ऊष्मक तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है, कि उसको चोट खरोच से बचाता है, साथ ही साथ हम मानव को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये ग्रिल जो है ये रिफ्लेक्टर के ऊपर में ही सेट किया हुआ रहता है, इसी के ऊपर में हम उसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्टर है, ये सब ये पोर्शन रिफ्लेक्टर है, इसी के ऊपर में हम ग्रिल लगाते हैं।
क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे स्विच की ओर। ये जो होता है चौथा स्विच, आखिर ये स्विच को जान ले, चूंकि हम बताएं कि ये रॉड टाइप में होता है, क्या है कि हम दो उष्मक तंतु का प्रयोग करते हैं, एक या दो, जबकि वाउल टाइप में हम एक ही उष्मक तंतु का प्रयोग करते हैं जो कि लट्टू नुमा होता है। अब जब हम इसमें एक या दो उष्मक तंतु का जब प्रयोग कर लिए, तो हो सकता है कि दो रॉड वाले हीटर में, दो रॉड वाला हम हीटर ले रहे हैं, एक नहीं जब दो रॉड वाला हीटर ले रहे हैं तो संयोजक के बाद हम एक स्विच लगाते हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि अगर दो रॉड वाला हीटर है, मान लीजिए एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, दो रॉड वाला अगर मेरा हीटर है, अगर मान लीजिए यहाँ संयोजक लगा हुआ है, यहाँ पे संयोजक है, ठीक है, तो संयोजक के बाद जो एक स्विच लगाते हैं, संयोजक के बाद जो वो स्विच लगाएंगे तो वो किसके श्रेणी क्रम में होना चाहिए, ये दूसरे रॉड के श्रेणी क्रम में होना चाहिए, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है रॉड, तो इसी के श्रेणी क्रम में होना चाहिए, इसके श्रेणी क्रम में ही मेरा यहाँ पे क्या होगा स्विच लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर जो दो रॉड लिए हैं तो जो संयोजक होगा, संयोजक सिरा के बाद जो स्विच लगाइएगा वो स्विच आपका सेकेंड रॉड के बीच, सेकेंड रॉड के श्रेणी क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेकेंड रॉड के श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, अब जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा तो ये दोनों रॉड क्या होगा समानांतर क्रम में विद्युत स्रोत से संयोजित हो जाएगा, ठीक है, ये समानांतर क्रम में विद्युत स्रोत से संयोजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए दो रॉड लिए ना, दो रॉड के बाद एक संयोजक लगेगा, दो रॉड के बाद एक संयोजक है, तो ये दूसरा जो रॉड होगा ना उसी के श्रेणी क्रम में आपको स्विच लगाना है। तो जैसे ये जो स्विच लगाए, अब जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो ये दोनों रॉड क्या करेगा स्रोत से समानांतर क्रम में संयोजित हो जाता है, ठीक है, यही स्विच का मुख्य काम है। संभवतः आप लोग समझ में आ गया। और ये देखिए ये क्या है आपका स्टैंड है, जहां कहीं भी आपको खड़ा करना हो या जहां कहीं भी आपको रखना हो, तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि ये रॉड टाइप में कि एक जो उष्मक तंतु होता है, आखिर वो उष्मक तंतु किसके ऊपर पे लपेटते हैं, आप वो जान लीजिए, वो चीनी मिट्टी का रॉड होगा, उसी के ऊपर में हम क्या करेंगे नाइक्रोम तार लपेट करके उष्मक तंतु बनाते हैं। इसकी अगर वाटेज की बात की जाए तो 1000 वाटेज तक होती है। दूसरी बात रही कि ये जो रिफ्लेक्टर का क्या काम था, रिफ्लेक्टर के ऊपर में ही हम लोग उष्मक तंतु को क्या करते हैं रखते हैं, और रिफ्लेक्टर का काम है कि जो हीटिंग एलिमेंट से उष्मक तंतु से जो उष्मा निकलता है उसको बाहर करना, कि लोहे के शीट के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं निकिल या क्रोमियम का लेप चढ़ा के बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखे ग्रिल का क्या काम था, यह पोर्शन ग्रिल का काम है उष्मक तंतु तथा मानव को सुरक्षा प्रदान करना, यानी इस उष्मक तंतु को किसी प्रकार से चोट खरोच से बचाएगा। साथ ही साथ ये ग्रिल जो है रिफ्लेक्टर के ऊपर में ही एडजस्ट रहता है, इसी के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं सेट करते हैं। आके हम लोगों ने देखे स्विच का क्या काम था, क्योंकि रॉड टाइप में एक या दो तंतु प्रयोग करते हैं, जो दो तंतु प्रयोग करते हैं तो दूसरे तंतु के श्रेणी क्रम में हम स्विच को संयोजित करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि दोनों रॉड क्या होगा जब हम ऑन करेंगे तो दोनों रॉड क्या होगा सप्लाई के पैरेलल संयोजित हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिएगा। वैसे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है जो मेरे वीडियो को देख रहे हों
और वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों में भी शेयर भी कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू क्लास।